अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन चिल्ली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 केजी चिकन ली हूँ, बोनलेस चिकन का अच्छा बनता है। चिकन चिल्ली के लिए बोनलेस चिकन चाहिए होता है। अब मैं इसमें 1 स्पून मिर्च पाउडर, मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, कॉर्नफ्लोर इसमें डालना है, 6 स्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूँगी। आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो आरा आरा रोट डाल देना है। अब खूब सारा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी और जीरा पाउडर डालना है। मैं इसमें 1 स्पून विनेगर को डालना है। उसके बाद मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और आधा घंटे के लिए इसे रेस्ट के लिए रख देना है कवर करके। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ऑयल ज़्यादा हीट नहीं करना है, बस मीडियम ऑयल को रखना है। अब मैं चिकन को फ्राई करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। कलर देखिए कितना अच्छा लाइट कलर आया है। अब मैं इसे निकाल लूँ, मैं आपको हाथ से तोड़ के दिखाते कितना अच्छे से मेरा चिकन सॉफ्ट हो चुका है। इसमें मैंने अभी चिकन फ्राई किया और इसी ऑयल में मैं शिमला मिर्च और ऑनियन को 2 मिनट इसे पकाना है। 1 स्पून टमाटो केचप, 1 स्पून चिली सॉस डाल रही हूँ, 2 स्पून विनेगर डालना है, 4 से 5 स्पून सोया सॉस डाल रहे हैं। अच्छे से मिक्स कर दूंगी और सॉस सॉस डालना ज़रूरी। मैंने 2 स्पून कॉर्नफ्लोर ली हूँ और पानी डाल के अच्छे से घोल बना लेना है, नहीं तो नीचे बैठ जाएगा। चलाते रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं 2 मिनट से ज़्यादा पकाई हूँ और मेरा सॉफ्ट हो चुका है। और मैं इसमें 1 स्पून नमक डाल दी हूँ, क्योंकि चिकन में भी मैं नमक डाली थी। तो मैं सॉस को डालूंगी जो अभी हमने रेडी किया था। देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट की हूँ शिमला मिर्च को, क्योंकि मैं सॉटे करते थोड़ा कच्चा टाइप का लगता है मुझे, तो मैं थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट की हूँ। अब मैं इसमें चिकन डाल के 2 मिनट इस तरह से पकाना है और 5 मिनट कवर करके पकाना है। उसके देखिए फ्रेंड्स, मेरा चिकन चिल्ली रेडी हो चुका है। अब मैं इसे आपको दिखा रही हूँ अपनी प्लेट में सर्व करते हुए। देख सकते हैं आप कितना मज़े का बना है। ओके बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट।